इस्लाम को बुरा भला बोलते हो, सर आप तो मोमिन आप किस हैं? चीज? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बोला तो है। ओके, नमाजे पढ़ते सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। जरा अत्तहियात सुना दे सर। ये टेस्ट होता है इधर, जी फर्स्ट टाइम आते हैं तो टेस्ट होता है। अगर ना देना चाहूं तो फिर? सर आप जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, पहली नहीं, फुर्सत में चले। टेस्ट जरूरी है इधर, टेस्ट। बोल दिया ना, अभी बार बार पूछने से जवाब चेंज तो नहीं हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद फिर जब आएंगे तो नहीं लिया जाएगा। एक बार हमको मालूम पड़ गया कि हाँ आपने टेस्ट दे दिया और आप बार बार आते हैं तो अगले बार नहीं लिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम तो लिया जाता है ताकि हमको मालूम पड़े कि हाँ कोई मोमिन ही आके हमसे बात कर रहा जी जल्दी से। जी अत्तहियातुल्लाह वस्सलावातु वत्तैयिबातु अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहि गलत सालिहीन। गलत 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 गलत। ऐसा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। फिर से पढ़ो। गलत हुआ? फिर से पढ़ो पढ़ो फिर से पढ़ो। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तैयिबातु अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु अस्सलामु अलैना वअला गलत इबादिल्लाहि नहीं ना सालिहीन। यार, गलती कर रहे हो ना गलत यार। गलत यार, तुम तो नमाज तक नहीं पढ़ सकते, तुमने आगे क्या बात करनी है मेरे भाई? तुमको कैसे तो अपने गलत, दीन किधर के गलत हुआ यार? ABCD का ही नहीं पता। दरूदे इब्राहिम नहीं आता है? जी आता है। पढ़ो दरूदे इब्राहिमी पढ़ो। दुरूद इब्राहिम में गूगल पे सर्च ना कर, पढ़। दुरूद वो आपको गैस का इल्म इब्राहिमी है? भी नहीं पता। मैंने कहा गैप का इल्म भी है आपको? निकाल साहिल इसको यार, नाजिश को ले ले साथ। वो कह रहा है नाजिश लोग फीमेल है या तुम तो मेल है मुझे कितने घटिया लेवल के, ये मोमिन ही है लेकिन एकदम घटिया लेवल का मोमिन है। कभी इन लोग ने इस्लाम को सीरियसली इस मामले में नहीं लिया है कि भाई इसकी चीजों को हम याद करेंगे। हाँ लेकिन इस्लाम का बचाओ बोलो, सड़कों पे आ जाएंगे या स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे बचाओ के लिए, एक दिखावा, लेकिन उसको कभी सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। और ये अक्सर मोमिनों का यही हाल है। ऐसी सारे गए गुजरे 10 10 ग्राम 5 ग्राम मोमिन आपको मिलेंगे मार्केट में भी, कुछ आता जाता नहीं। यार। अमित भाई को कहे यार एक स्पेशल मीम रखे, निपल, उनको निपल दे के भेजा करें साहिल भाई। एडम साहब, नाजिश भाई से बात करने से पहले कल का क्या मामला है जरा बता दीजिए, ताकि हमारे दोस्त अरे अहबाब हाँ कल के लिए रेडी रहे। यार, मैंने सुबह सुबह एक छोटी सी स्ट्रीम की थी कि टॉपिक यार आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हो फटाफट भेज दो, और मुल्ला मौलवी के लिए अजान और नमाज के ऊपर सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी। तो साहिल साहब, कल हम अजान और नमाज की ओर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वाह वाह एक दो दफा वाह हमने स्ट्रीम में की भी है, लेकिन अच्छे जी से इसे जी एक्सप्लोर नहीं करके दिखाया कि अजान और नमाज में क्या क्या बोंगियां हैं और क्या क्या मसले मसाइल हैं सर, वो हम कल एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कर एक्सप्लोर करेंगे। तो द स्ट्रीम अगर सेट हो गई है एडम साहब, तो लिंक भी सर शेयर कर मैं दे ताकि। अभी के अभी कर रहा हूँ स्ट्रीम सेट सर, ये वाइल वी टॉक विद नाजिश। नाजिश जब तक टेस्ट दे लेगा उतनी देर में स्ट्रीम स्केड्यूल हो जाएगी सर। ठीक जी, नाजिश साहब जरा अनम्यूट कर ले, अभी तो ले लिया आपको। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं ठीक सर? नमाजें पढ़ते हैं, मोमिन हैं अभी तक? है जी। नमाज पढ़ने जाते हैं, हाँ जी जाते हैं। जाते हैं, जरा अत्तहियात पढ़ते। यार नेक्स्ट नंबर असद साहब आपका है और उसके बाद मोहम्मद शरीफ का है। पहले असद साहब का नंबर है, फिर मोहम्मद शरीफ का। थोड़ा रुकिए, आप लोगों का नंबर जब आएगा आपको लिया जाएगा। जो फर्स्ट आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सब, या फर्स्ट कम फर्स्ट इन वाला हिसाब है। ओके okay. जी अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तैयिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन्नबी।
बोली ना बोल फिर से पढ़े التحيات لله والصلاوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آگے ختم ہو گیا کیا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کیا کھانے نہ کم کھائے ہو گیا آج آج دو ہی روٹی کھائے हाँ? आज दो ही चपाती खाया हूँ। अबे दो चपाती में भी तो आवाज ढंग से निकलती है, तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही? दो चपाती तो खाया तूने, चपाती कौन सी चपाती खाया था? अरे वो जो सिंपल रोटी होता है भाई, सिंपल गेहूं का चपाती खाया था। हाँ तो चपाती खा के चौपाटी चला जाता तो तेरी आवाज में थोड़ा जोर आ जाता। हेडफोन लगाया हुआ है? हाँ जी। हेडफोन निकाल दे, हेडफोन तेरा खराब है यार। मेरी आवाज क्या सही से नहीं आ रही है क्या? मैडम सर मेरी आवाज नहीं आ रही, खांसी बहुत आ रही है, खांसी बहुत आ रही है, लेकिन आवाज आ रही है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि गिटार गिटार बज रहा है, लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, इट इज गुड यार। लोगो ऐसा करो कि तीन सेकेंड लाइव स्ट्रीम को पीछे कर लो, 3 सेकंड 4 सेकंड, तो फिर सही रहेगा। जिन लोगों को कम आ रही है क्योंकि उनका इंटरनेट थोड़ा सा खराब होगा, तो 3 सेकंड लाइव स्ट्रीम पीछे कर लो, थोड़ा सा 5-7 सेकंड, तो देन यू विल हैव इनफ बफरिंग। आप लोग चल नहीं सकते लाइव स्ट्रीम से। क्लियर आ रही है भी बोल रहे हैं, 2-3 लोग ने बोला गिटार बज रही है, पता नहीं क्या सीन है। हाँ वो इसलिए कि वो बिल्कुल स्ट्रीम के, हाँ बिल्कुल वो स्ट्रीम के साथ साथ चल रहे हैं, उनका इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हें के स्ट्रीम के साथ साथ चलने के लिए 10-15 सेकंड पीछे चले जाएं और 10-15 सेकंड पीछे से देखना शुरू करने सही हो जाएगा। हाँ भाई नाजी साहब, हेडफोन निकाला आपने? जी ईयरपॉड था, ईयरपॉड था। घटिया 2 नंबर ईयरपॉड था जिसकी हालत ऐसी थी, वरना तो ही डीजो का था भाई, डीजो का। तो ईयरपॉड तो ना हुआ, डीजो का था। ईयरपॉड एप्पल का होता है। चलिए कोई नहीं, मुश्किल नहीं है। नाजिश साहब ये बताइएगा कि ये पहाड़, धरती, आसमान, ये क्या लिविंग थिंग है? इनमें भी ऐसा डर वाली फीलिंग होती है? ऑफर रिजेक्ट एक्सेप्ट करने वाले डिसीजन लेते हैं ये लोग, क्या माजरा है? पहाड़ जो है, देखिए धरती, आसमान, पहाड़। देखिए पहाड़ की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपके सामने साहिल भाई। हाँ बिल्कुल करिए सर जी। देखिए पहाड़ भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई बंजर अच्छा, होता बात है, करने वाले और बात नहीं करने वाले पहाड़ होते हैं। नहीं नहीं, बात करने वाला नहीं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों होता होगा। अच्छा पहाड़ में भी दो क्वालिटी, दो टाइप के है, दो उसमें ये है कैटेगरीज, एक लिविंग पहाड़ और एक नॉन लिविंग पहाड़। वाह कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने, वाह क्लास 7 तक। फिर ठीक है यार, कोई बात नहीं, जाने दे यार क्लास 7। अरे लेकिन क्लास 7 के बच्चे लोग को भी मालूम रहता है एडम साहब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। यार वो क्लास 7 तक पढ़ा है यार बेचारा, सिर्फ सिर्फ क्लास 7 मतलब तक पढ़ा है। नहीं समझ रहे, पहाड़ में जो प्लांट होता है ना, प्लांटेशन क्रॉप जिसको बोलते हैं। हां प्लांट क्या करता है? प्लांटेशन क्रॉप नहीं होता जो पहाड़ से निकलता है, चाय पत्ती सब। हाँ, चाय पत्ती निकलती है, तो वो क्या लिविंग पहाड़ है वो? जी अच्छा, और जहाँ प्लांटेशन नहीं होता है वो नॉन लिविंग पहाड़ है। जी, जो सूखा होता है, सूखा सूखा। अरे बाप रे बाप, ये देखो क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं दोस्तों। ये है मोमिनों की अकल, और इस अकल का जिम्मेदार इनका मजहब, इनका कुरान है। प्लांटेशन पहाड़ नहीं, ये अभी सारी स्कूल की जो जितनी सिलेबस में जितनी बुकें है ना, सब चेंज करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, और उसमें एक क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स लगाना पड़ेगा कि लिविंग माउंटेन्स एंड नॉन लिविंग माउंटेन्स। अरे रब्बा,
क्या बात करेंगे आप बताओ इनसे, क्या हम आर्ग्यूमेंट रखेंगे क्या? जी 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 मैं एक बात अपनी रख लेता हूँ। देखिए पेड़ जो होता है वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग, आप बताओ मुझे पहले। लिविंग है, लिविंग है, आगे चले। पहाड़ भी इसी तरह लिविंग होता है, इस पर पेड़ हो, ठीक जी है। पेड़ लिविंग थिंग है, लेकिन पेड़ जो है एक जगह से दूसरे जगह भाग नहीं सकता, वैसे पहाड़ भी अपने नहीं घर, भाग सकता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप घर जाइए, साहिल साहब असद भाई को ले लें यार। क्या यार इससे बात करनी है। अच्छा ये वही डंगर है नाजिस, ये नाजिस इतना तू कैसा बात कर लिया रे, ये कौन है, वो किसको ले लिए, किसको यही तो बात कर रहा था, यही है लिए वो, साहिल? ये ये क्या वही बुनैन डंगर बुनैन बुनैन पहन रहा है भाई, चड्डी किसको उतार ऐड दिया। किया? अबे साहिल यही स्क्रीन को बात ले कर रहा आया। था जब से, हाँ हटा दिया अभी, यही बात कर रहा था जब से। क्या यार अलिफ ये डंगर है यार। बराबर साथी फेल वाला ही हरकतें कर रहा चल भाई तेरे को बैन कर दिया मैंने, जा घर पे ना, ये लगता है ऐसा लगता है कि अपना सर्वर भी थोड़ी देर में फोड़ लेगा। ओ मैन, शुक्र है गुफा जी आदमी हुआ, तूने गलत किया साहिल, उसने बाद कच्चा भी उतार लिया था, शुक्र कर मैं बाद में ना मैं टैक्स। देख रहा था, मैं देख रहा था उसको, मैं वैसे भी नीचे कर ही देता था अगर कुछ ऐसी हरकत वो करने भी वाला था, मैं लोगों को बता रहा था कि कैसे कैसे लोग होते हैं जरा देखिएगा। अच्छा ये मोमी नहीं था क्योंकि बाग गया था, इसने टेस्ट भी क्लियर किया हुआ। हाँ भाई असद साहब जी मैं पहले आया हूँ, जी सर मोमिन है। हाँ जी मैं पहले आया हूँ आपसे एक बात पे, हाँ मतलब जी हो रही सर थी बात है, तो वो हदीस के बारे में जिसमें मतलब 99 कतल किए थे फिर 100 पूरे कर दिए थे, तो मैं उसका पूछा था फिर। हाँ, किसको पूछा था आपने? मैंने मतलब दो दो लोगों से पूछा था, एक तो मतलब यहाँ पाकिस्तान में बहुत मशहूर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, एक उनसे पूछा था आपने और डायरेक्टली एक पूछा था दोस्त। इंजीनियर मिर्जा से? अच्छा हाँ जी डायरेक्टली वीडियो, मतलब वो भी आते थे गोट स्ट्रीम पे, तो ओके, क्या जवाब दिया उसने? मैंने उनको कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मतलब अल्लाह ताला की ये कुदरत है, और वैसे भी अल्लाह ताला ने मतलब अगर वो वैसे ही जिनके कत्ल हुए हैं मतलब शहीदी हुए हैं, तो वो अगर मुसलमान होंगे या अगर बिना या मतलब उस टाइम तक जो भी अंबिया आए होंगे उनकी पैरवी कर रहे होंगे, तो वो जन्नत में जाएंगे, तो इससे बड़ा इनाम क्या हाँ मिलेगा, तो लेकिन तो और इनाम उनका उसे वैसे मुकाम नहीं मिल सकता था, उसे कत्ल करके ही मिलना था इनाम, राइट? नहीं, कत्ल करके नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, कत्ल तो कर दिया उसको, वो तो जन्नत में जाए बंदा जन्नत में जाए, डजंट मैटर, राइट? यार एडम भाई अगर वो मेरी, काफिर होगा तो जन्नत में जाए जन्नत में जाएगा, अगर वो मुसलमान होगा तो जन्नत में जाएगा, लेकिन कातिल को क्या सजा मिली है? इंसाफ तो लेकिन अल्लाह कातिल के कातिल साथ ने नहीं तो कर रहा तौबा, ना। कातिल ने तो तौबा कर ली ना, और वैसे भी मतलब तो फिर अल्लाह उसके इंसाफ वो नहीं ना करता? असल मुद्दा क्या था हमारा उस इंसाफ स्ट्रीम नहीं का? हुआ ना, अल्लाह हाँ इंसाफ इंसाफ नहीं ही नहीं करता। हुआ ना फिर। नहीं वो तो मतलब बनी इसराइल का तो तुम्हें ज्यादा चांस है, वो हजरत ईसा अलैहि सलाम के मतलब शरीयत का होगा, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम की शरीयत को कौन सा भी हम जानते हैं उस तो तरीके से बनी इसराइल में, बनी आप। इसराइल की शरीयत में सारे के सारे अच्छे मुसलमान ही थे। बनी इसराइल में, बनी इसराइल तो तब तक तो मतलब जब आपने सलम ने किया था तब तो वहां पे मुसलमान नहीं थे, तब तो वहां पे ज्यादातर ईसाई थे, शरीयत थी बल्कि। और दो रही फिटे मुंह तेरे थे डंगर दे बच्चे, बनी इसराइल ईसाई कहां से हो गए डंगर? दोबारा चलते हैं, बनी इसराइल का वो जो शख्स था जिसने कत्ल किया था वो अभी मुसलमान नहीं ना था? वो मुसलमान मतलब किस तरह का, आपसे सलम करके आपसे सलम को उम्मीद की या हजरत ओ ईसा का? खुदा यार साहिल यार मारो अरे यार मुझे, वो मारो यार। बनी इसराइल का भी था तो वो मुसलमान ही था ना, लेकिन हाँ जी वो शरीयत मूसा पे नहीं, दूसरी शरीयत में था। मूसा की शरीयत में था ना? हाँ था मुसलमान हाँ लेकिन जी मूसा की शरीयत पे था। हाँ अच्छा, हाँ जी अब वो मूसा की शरीयत को नहीं मान रहा था, तभी तो उसने 99 कत्ल किए थे। क्या जरूरी तो नहीं है, मतलब शरीयत को मान के कोई कत्ल कैसे करेगा? पाकिस्तान में इतने लोग कत्ल करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि वो योर मुसलमान नहीं है भैन बड़ा? यक, इसका मतलब वो है कि जो, मुसलमान तो है लेकिन शरीयत के उस उसूल को नहीं मान रहे हैं कि आपको कत्ल नहीं करना है। हाँ 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 शुक्र है शुक्र है।
अच्छा उसने जो 100 बंदे कत्ल किए उसमें एक आलिम भी था, एक आलिम तो दरवेश था। हाँ चलो इस तरह दरवेश आलम को कहेंगे और किसको, बाबा जी के ठुल्ले को कहेंगे। चलो ओके, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शरीयत को मान रहे होंगे, जो शरीयत को नहीं मान रहे होंगे। हाँ जी ठीक है। अब उसमें से एक बंदा ऐसा था जो तेरी तरह का था, जो हो सकता है दो हफ्ते बाद जाके माफी मांग लेता और शरीयत पे पूरा अमल करना शुरू कर देता, लेकिन उसने इसको कत्ल कर दिया और ये बंदा अब जन्नत में जाएगा। अगर ना कत्ल करता तो जन्नत में चला जाता दो हफ्ते बाद। अब मुझे बता इस बंदे को क्या सजा मिलेगी इतने लोगों को कत्ल करने पे, इस दुनिया से इस तो नबूद करने पे और ढेर सारे बंदों को जन्नत में जाने से रोकने के लिए। भाई जब उसने मतलब दीप से तोबा के इरादा कर लिया था तो फिर अल्लाह इंसाफ नहीं ना करता, तोबा दे देता। जब उसने दिल से किया था तो फिर आप अच्छा बात सुन तेरी बहन है अभी का तेरी बहन है। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। जी सर तेरी बहन है घर में, अगर मैं जाके तेरी बहन का रेप करूं और फिर उसका कत्ल कर दूं तो मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? आपको तो इस्लामी कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अगर माफी मांग लूं तो? माफी किससे? अल्लाह मियां से। अल्लाह मियां से आप कैसे मांगो कि आप तो उनको मानते ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ मैं, जिस तरह ये बंदा जो है जब कत्ल कर रहा था तब तो अल्लाह मियां को नहीं ना मान रहा था, वो यही तो ढूंढ रहा था कौन सा खुदा मुझे माफी दे देगा, तभी तो उस शहर की तरफ जा रहा था। अब अगर मैं तेरी बहन का पहले रेप करूं फिर कत्ल करूं उसके बाद अल्लाह मियां से माफी मांग लूं सदके दिल से और उसको मान लूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा, तो तेरी बहन का क्या हुआ? उसका तो रेप भी हो गया कत्ल भी हो गया। मतलब जरूरी तो नहीं है माफ करेगा भाई? जरूरी नहीं भाई, तुझे क्या पता वो माफ करेगा कि उसने कर दिया ना। तू कह तो रहा है कि सदके दिल से माफी मांगोगे तो माफी हो जाएगी। अब अगर अल्लाह मुझे माफ कर देता है तू क्या करेगा? तेरी बहन का रेप भी हुआ कत्ल भी हुआ यार, आपको हजरत मूसा की तबशरीयत की नहीं पता? फिर यार तू छोड़ सारी शरीयत को यार, तू सिंपल बात करो, तू सिंपल बात का जवाब दे। तेरी बहन का मैंने रेप किया है, बल्कि मैं अपने साथ 5 दोस्त भी लेके आया था, हम 5 दोस्तों ने मिलके गैंग रेप किया, उसके बाद कत्ल कर दिया तेरी बहन को, और फिर हम 5 जो है वो चले गए और जाके हमने अल्लाह मियां के घर में जाके खाना है काबा में हजरे असवद को चुम्मी कर करके माफी मांगी, अल्लाह मियां ने हमें माफ कर दिया। अब बता तू क्या करेगा ऐसे मौके पे, ऐसे अल्लाह को क्या कहेगा तू? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया? भाई अल्लाह ताला ने कहा है ना कि काले पत्थर को चुमी करोगे सदके दिल से तो माफ हो जाओगे। मोहम्मद की बातें नहीं मानता, अल्लाह की बातें नहीं मानता? मैं हजरे असवद पे जाके चुमी कर करके उसको मैं 2 घिसा दूंगा, अल्लाह माफ कर देगा। अब बता तू क्या करेगा? अल्लाह शिर्क के अलावा सब कुछ माफ कर सकता है, अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि शिर्क के अलावा हर गुनाह में माफ कर सकता हूँ, तो शिर्क तो नहीं किया ना मैंने। वो तो अल्लाह ताला के हुकूक में ना, लोगों के हुकूक में तो नहीं ना। नहीं तो अल्लाह कह रहा है कि मैं अपना हुकूक माफ नहीं करता, बाकी सारे माफ कर देता हूँ ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं अपने हुकूक माफ कर देता हूँ शिर्क के अलावा। अबे जंगर ये कहानी तुझे बताई गई भी है, ये कहानी है, कहानी से कहानी। कुरान में अल्लाह कहता है मैं अपना हक माफ नहीं करता जो कि शिर्क है, बाकी सारे माफ कर देता हूँ। ये बंदे को माफ नहीं किया जिसने 100 बंदों को कत्ल किया, उसी तरीके से मैंने तेरी बहन का गैंग रेप करके कत्ल किया। अब बता मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तेरा अल्लाह तो सजा देता नहीं भाई। आपको मूसा इस्लाम की शरीयत का तो पता नहीं। मुझे पता है मूसा की शरीयत का, तुम्हें नहीं पता मूसा की शरीयत का? तो वो तो मतलब वो हो गई है, तब्दील हो गई है। तब्दील हो गई है? अच्छा तब्दील तो मतलब कुरान में आते हैं, कुरान में आते हैं कुरान में मूसा की शरीयत लिखी हुई है, ये लो कुरान में मूसा की शरीयत लिखी हुई है। अब अपने मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को ना जाके उसकी भुंड मार के आना, क्वाइट फ्रेंकली मेरे सामने इसीलिए नहीं आता वो बगैर। ये लो ये देखो कुरान में मूसा की शरीयत बयान की हुई है। इसी वजह से हमने कहा बनी इसराइल को तौरात में
کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے, تو گویا اس نے پورے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اب مجھے بتاؤ, اس نے تو 100 دفعہ تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا تھا, اللہ نے معاف کیسے کر دیا؟ شریعت موسیٰ کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے, تیرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ کی شریعت میں یہ لکھا تھا, تو مجھے بتا اللہ نے اسے معاف کیسے کر دیا؟ اس بندے نے تو پوری انسانیت کو 100 دفعہ قتل کیا. اب بول میں تیری بہن کے ساتھ بھی ایسے ہی کروں گا, اللہ مجھے معاف کر دے گا, کیونکہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کر دیتا. لیکن آپ وسلم کی شریعت کے مطابق تو نہیں نا. ابے محمد کی شریعت بھی یہی ہے, اللہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے, یہی تو کہہ رہا ہوں. پھر اللہ انصاف کرنے والا ہے ہی نہیں. جب اس نے شریعت موسیٰ بتائی ہے قرآن کے اندر شریعت موسیٰ کو تم مانتے ہو, یہ شریعت موسیٰ ہے کہ ایک بندے کا قتل کیا تو تمام انسانیت کا قتل کیا, اس نے 100 دفعہ تمام انسانیت کا قتل کیا, اللہ نے پھر بھی اسے معاف کر دیا. تو میں تو شریعت محمدی میں ہوں, رحمت للعالمین کی شریعت میں ہوں, میں تو تیری ماں تیری بہن دونوں کا بھی کر لوں تو اللہ معاف کر دے گا, رحمت للعالمین کی شریعت میں ہوں میں. بولو بھائی, رحمت للعالمین کا پتہ ہے, رحمت والا. ہاں رحم کرنے والا ہے نا, بات ختم, معاف کر دے گا مجھے, سچے دل سے توبہ کروں گا. تبھی تو تیرے مرزا جیسے لوگ میرے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. تیرے انجینئر محمد مرزا کو کتنی دفعہ کہا اپنے چینل پہ لائف سٹریم کھول, میں آتا ہے, تبھی تو آتا نہیں ہے میرے سامنے. وہ تو آپ ان کے مطلب چلے جائیں وہاں پہ. ہاں تو اسے کہ اپنے چینل پہ سٹریم بنا, میں چلا جاتا ہوں اس کو اپنے چینل پہ سٹریم بنایا میں جاتا ہوں. شاہد شاید شوید کے میں نہیں جانتا, میں کسی کو کیوں پروموشن دوں؟ اسے کہ اپنے چینل پہ سٹریم بنایا نا, جہاں پہ وہ ڈنگر کا بچہ بیٹھتا ہے خود. جب وہ اپنے سکول میں بچوں کو بلا کے ان کو ذلیل کرتا ہے اور پھر ان کی ایڈیٹنگ کر کے ڈالتا ہے, وہ جس چینل پہ بیٹھتا ہے اس چینل پہ اپنی سٹریم بنائے میں آتا ہے. جا کیوں نہیں کرتا وہ, ڈرتا کیوں ہے؟ اپنے چینل پہ ڈرتا ہے وہ سالہ اس قسم کی باتیں کرتا ہوا. دو ٹکے کے چینلوں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے کبھی کبھی, اس کو اپنے چینل پہ کھول میں آتا خود اس کے چینل پہ. دو ٹکے کے رنڈی چینل جہاں پہ 4 بندے دیکھنے والے نہیں ہوتے, وہاں پہ جا کے بول لیتا ہے اور اپنے چینل پہ ڈرتا ہے. اسے پوچھ کہ اس نے جو اپنا اٹک میں بنایا ہوا سکول, اس سکول سے لائف سٹریم کیوں نہیں چلاتا؟ بچوں کے سوال پہلے ریکارڈ کرتا ہے, ریکارڈ کر کے ایڈیٹنگ کرتا ہے, ایڈیٹنگ کر کے اپنے چینل پہ ڈالتا ہے. کیوں؟ حالانکہ پاکستان میں بیٹھ کے بچوں کے سوال لیتا ہے, پاکستان میں بیٹھ کے, پھر بھی اس کو لائف پہ نہیں چلا سکتا, اتنا ڈرپوک ہے. کیوں؟ کہ کوئی بندہ ایسا سوال نہ پوچھ لے کہ جس پہ اس کا جواب نہ آتا ہو, یا وہ بونگی نہ مار دے, پھر اس کی ایڈیٹنگ کر کے پھر جا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالتا ہے. کیوں؟ ڈرتا ہے نا تیرا انجینئر مرزا, ڈرپوک ہے نا, ڈر ہے اسے ہم لوگوں سے, ورنہ بنائے نا اپنے چینل پہ اوپن سٹریمز. ہم بناتے ہیں نا اوپن, جو آتا ہے آ جائے. وہ کیوں نہیں بناتا؟ کیوں ڈر لگتا ہے اس بچے کو؟ آپ اس اکیڈمی میں چلے جائیں. میں اکیڈمی میں چلا جاؤں جہاں پہ وہ پستولے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں قتل کرنے کے لیے؟ اکیڈمی میں چلے جائیں, اکیڈمی میں چلے جائیں, وہ میری اکیڈمی میں کیوں نہیں آ جاتا پھر؟ اس کو میری اکیڈمی میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ یوٹیوب پہ میں نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے نا, آ جائے نا. اسد ناؤ سرکیزم اسائیڈ, جوک اسائیڈ, یہ تمہارا اللہ ہے جس کو جو کہ انصاف پسند نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں جو موسیٰ کی شریعت ہے نا وہ انتہائی اسی چیز کے اوپر ہے کہ وہ معاف نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بندہ, لیکن اللہ نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ مکر و فریب سے معاف کیا. بھائی اس کا تو پھر میں دوبارہ پوچھوں گا, دوبارہ پوچھنا. اسے کہنا کہ حضرت آدم سیکر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا آپ کی بہت بجائی ہے آج لائف سٹریم میں, انہیں یہ بھی بتانا اور پھر جواب دینا. لے کے میرا مطلب میں نے آدم آپ سے ایک سوال کرنا تھا,
क्या आपने तो मतलब एक लाइव स्ट्रीम में कहा था कि मतलब जो क्रिश्चियन है वो तो मतलब चोर है, क्रिश्चियन चोर, वो ये मैंने कब कहा था? क्रिश्चियन क्रिश्चियन जो हिंदुओं का है क्रिश्चियन। अच्छा कहा था ना मैंने, मानते हो आप? हाँ नहीं मैं तो नहीं इतना, मान मैंने तो उसका मैंने तो पढ़ा ही नहीं है उसका इतना भाई। अच्छा मोहम्मद की चोरी करता था ये पता है? उसने लाल चड्डी क्यों चुराई थी? और मुसलमानों ने मोहम्मद के ऊपर इल्जाम के लगाया था कि तूने हमारी लाल चड्डी चुरा ली है। भाई उन्होंने लोगों ने उनको खुद कुफारे मक्का ने भी आप सलम को साथी पर नहीं मीम का कुफारे मक्का ने नहीं, मतलब दिया मुसलमानों हुआ ने उस था। पर इल्जाम लगाया था कि तूने हमारी लाल चड्डी चुरा ली है। कुफारे मक्का की बात ही नहीं हो रही। जो बदर भाई में सहाबी लड़े थे, मैं जो बदर के सहाबी थे, बदर के जो सहाबी हैं, उनको अल्लाह ने जन्नत का कह दिया हुआ है ना, बदर के सहाबियों को अल्लाह ने जन्नत नसीब कर दी हुई है ना। भाई मैंने इतनी मतलब रिसर्च नहीं की हुई। यार बदर के सहाबियों को जन्नत की बिशारत है कि नहीं है? हाँ जो किस बात में लड़े जो है ना, किस बात। हाँ जी बदर 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 बदर, गजवाए बदर, पहली जंग। बदर के सहाबियों ने मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया कि तूने लाल चड्डी चुरा ली हमारी। ये दिखा सकते हैं फिर मैं ये भी पूछ लूंगा। मैं बिल्कुल दिखा सकता हूं, ये देखिए कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 161, ये लें, ये देखें। अल्लाह कहता है कुरान में, ये अच्छा नहीं है कि तुम, कि ये किसी नबी की शान नहीं है कि खयानत करे, जो कि खयानत करे अपनी खयानत में किसी चीज का हाजिर हो क्यामत के दिन फिर उसको जा। अल्लाह ने जवाब क्या दिया? इट इज नॉट बिफिटिंग कि आप अपने नबी के ऊपर अनफेथफुलनेस इन रिगार्ड्स टू वार बूटी, वार बूटी में से चोरी करने की अनफेथफुलनेस, नबी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ। तो अल्लाह ने क्यों नहीं बताया कि लाल चड्डी किसके पास थी? हाँ अल्लाह ने क्यों नहीं बताया लाल चड्डी किसने चुराई थी? ये देख तफसीर में जाते हैं, क्या हो गया यार। आप मतलब पाकिस्तान रहते हो मैडम? मैं हर जगह रहता हूं। नहीं फिर भी बस भाई ये क्या हो रहा है, कुरान एक्स को क्या हो गया? मैं हर जगह पे रहता हूँ। लो जी कुरान एक्स नहीं चल रहा है इस वक्त, सर्विस ही अनअवेलेबल हुई है। एनी हो बाद में दिखा दूंगा। लाल चड्डी चोर, नबी लाल चड्डी चोर। ओके दूसरी जगह से altafsir.com से दिखा देता हूँ यार, कुरान एक्स नहीं चल रहा। कौन सी तफसीर थी एडम साहब? कोई बात नहीं यार, हम यहां से ले आते हैं। ये देखे सर, लाल चड्डी चोर हमारे प्यारे नबी। ये देखे क्या कहते हैं, वेन सम रेड वेलवेट क्लोथ वेंट मिसिंग ऑन द डे ऑफ बदर, जब बदर के मौके पे एक लाल रंग की वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया, सम पीपल बिगैन टू से परहैप्स द प्रॉफिट टुक इट, तो मुसलमानों ने कहा नबी ने चुरा ही लिया। तो फिर अल्लाह ने वर्स रिवील की, नहीं 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 मोहम्मद को चूटा नहीं को चोरना को, मोहम्मद को चोरना को। ये कौन सा सादिक और अमीन है जिसको उसके अपने फॉलोवर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर, वो भी बदर के कौन सहाबी? सूरत कौन सी है नोट? तीन सूरत आयत 161, आल 161। सूरत आल इमरान 161 क्या है यार, तुम लोग कैसा नबी है यार। यार। मैंने तो आपसे उसका पूछा था क्रिश्चियन का, आपने हाँ तो मैं अभी मोहम्मद का तो बात कर लेना, फिर दूसरे पे भी जाएंगे। पहले ये तो देख ले मोहम्मद क्यों चोर है, चड्डी क्यों चुराई उसने लोगों की। चलो अब उस पर बात करें। चल जाके पहले इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा से पूछ के आ, जा दोनों चीजें पूछ के आई। हाँ यार कितने बेवकूफ लोग हैं। सैल साहब आप वापस आ गए? जी सही है, क्योंकि इंतहाई बेवकूफ लोग हैं सैल साहब, इंतहाई बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं बिल्कुल ये। बिल्कुल इमेजिन इमेजिन करें कि बंदा जो है इंजीनियर मिर्जा से पूछ के आया, और फिर जब इसको इसकी बहन की एग्जाम्पल दी तो भाई कहता है नहीं नहीं तुम माफ नहीं होगे, क्योंकि अपनी बहन है इस वजह से माफ नहीं होंगे, हाँ वही वही अपनी तो बहन आ खेले ना जाती तो पूरा। माफ नहीं हाँ होंगे। भाई मोहम्मद शरीफ साहब अनम्यूट करे। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? आवाज आ रही सर?
बिल्कुल आ रही है सर, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ सर। मुसलमान हैं अभी तक, बच्चे हैं क्या, छोड़ दिया? जी जी मैं तो मुसलमान हूँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा